नमस्कार, नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की खस्ता कचौरी। फूली फूली कचौरी बना करके तैयार करेंगे, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मैदा लिया है, मैदा को हम छान लेंगे। छान लिया है, एक चम्मच ये नमक डाल दिया है। ये हम अजवाइन डालेंगे इस तरह से क्रश करके। ये एक पिंच हम बेकिंग सोडा डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 चम्मच ऑयल, मिला लेंगे इस तरह से। ऑयल को अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से। ये अच्छे से हमने मिला लिया है। ये इस तरह से मैदा की मुट्ठी बननी चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। पानी हम एक बार में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और ये इस तरह से गूंथ लेंगे मैदा को। थोड़ा पानी और डाल देंगे। ये इस तरह से हमने डो बना लिया है। इसे हम रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हमने ये आलू बॉईल करके रखे हैं, इन्हें ठंडा कर लिया है, और इन्हें हम कद्दूकस करेंगे। सारे आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। ये गैस पे हमने पैन रखा है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया 1 चम्मच, ये बारीक कटी हुई प्याज डाल दिए हैं। भून लेंगे प्याज को हम। अब हम ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, ये भी डाल दिया है। मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच नमक, और मिला लेंगे। प्याज के साथ मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर ये धनिया पीस करके रखा है, ये भी डाल दिया है। काट करके डाल सकते हैं। अब ये कद्दूकस किए हुए आलू भी डाल दिए हैं, और चला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को और आलू को। ये 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला डाला है। ये मिक्सर हमारा बन करके तैयार है। आटे के ऊपर हम ये थोड़ा ऑयल डाल करके इस तरह से इसे थोड़ा और मसल लेंगे, ताकि चिकना हो जाए आटा। अब हम इसकी छोटी छोटी पेड़ियां बनाएंगे इस तरह से। इस प्रकार से सारी पेड़ी बना लेंगे। सारी पेड़ी हमने बना ली हैं। अब हम इन्हें इस तरह से शेप दे देंगे। अब हम इसे हाथ से इस तरह से फैला देंगे। पेड़ी को हम इस तरह से बेल लेंगे हाथ से। ये बेल लिया है हमने। अब ये मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है, इसके भी हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। सारे मिक्सर के बॉल्स बना लेंगे।
ये सारे बोल हमने बना लिए हैं और अब हम इस तरह से इसके अंदर ये बोल रखेंगे और इसे हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से दूसरी भी हम इसी तरह से बना करके दिखाएंगे। ये दूसरी कचौड़ी को भी हमने इस तरह से भर लिया है। अगर इस तरह से ना बने तो इस तरह बेलन से भी आप चकले से बेलन से बेल करके इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बेल लिया है हमने, अब इसके अंदर बोल रख के इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। सारी टीके को हम इसी प्रकार से बना लिया है। थोड़ा सा इस तरह से बेल सकते हैं या हाथ से भी थोड़ा साइज बढ़ा करके इसका कढ़ाई के अंदर डाल सकते हैं। ये गैस पे हमने कढ़ाई रखी है, ये ऑयल गर्म हो गया है हमारा। इस तरह से हम टीकी फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। ये सारी टिक्की को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। पलट पलट करके हम फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गई है, इन्हें हम निकाल लेंगे। बाकी की सारी कचौरी को भी हम इसी प्रकार से फ्राई कर लेंगे। पलट पलट करके फ्राई करेंगे। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। सारी कचौरी को हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए फूली फूली खस्ता कचौरी बनकर के तैयार हुई है। ये देखिए एकदम से खस्ता, बहुत ही बढ़िया कचौरी बनकर के तैयार हुई है। ये हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व किया है हमने। बहुत ही टेस्टी इस तरह से कचौरी बन करके तैयार होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी।